इश्यूज था कि तो मकारी लूस मोहम्मद शमी और शेब अख्तर, इन लोगों को देख के मतलब एक शौक था कि इनके जैसा बनना है। चैलेंजिंग बैट्समैन तो मतलब सभी के जब सब ग्राउंड में होते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो ऐसा ही है। मैंने काफी काफी सारे बड़े बैट्समैन के अगेंस्ट बॉलिंग की है, तो डिफिकल्ट होता है सबको मतलब बॉल करना। कोई ऐसा नहीं है कि सबसे मुश्किल है, सब एक जैसे होते हैं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है मतलब कभी भी मुश्किल आ जाती है, कभी भी मतलब इंसान इजिली उसको क्लियर कर लेता है। क्रिकेट खेलने का मतलब सबसे ज्यादा मजा तो इंग्लैंड में है। मैं वर्ल्ड कप के साथ भी था क्रिकेट का, तो वहाँ पर काफी मजा आया। इंग्लैंड में तो मुझे इंग्लैंड की कंडीशन बहुत अच्छी लगती है, वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंडियन सॉन्ग है एक तरफा, तो वही मतलब वो सुनता रहता हूँ बार बार। सबसे ज्यादा मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने पास में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैंने 5 आउट किए थे, वो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। श्रीलंका के अगेंस्ट और ऐसे काफी सारी परफॉर्मेंस है, पर वो जो ये 2 परफॉर्मेंस है मेरी बेस्ट। क्रिकेट के अलावा मैं फुटबॉल में रोनाल्डो को फॉलो करता हूँ, वो इसलिए अच्छी है और बहुत ही मतलब स्मार्ट है, वो फुटबॉल फुटबॉल में उसका नाम है, तो मैं उसको लाइक करता हूँ। क्रिकेट में मेरा बेस्ट बैटर तो मतलब काफ़ी सारे हैं, तो मतलब टीम में सही में शराफ है, शादाब खान है और हारिस रऊफ है और शाहीन शाह है, इन लोगों के साथ तो मूसा है, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं इन लोगों के साथ, तो ये हम लोग एक साथ होते हैं। क्रिकेट के अलावा तो वैसे कोई मतलब हॉबीज नहीं है, बस ये कि एक सिंपल लाइफ है, क्रिकेट खेलते हैं उसके बाद दोस्तों के साथ और इंजॉय करते हैं, बाकी और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। बस पर्सनल अचीव तो मतलब काफ़ी सारे गोल्स होते हैं, जैसे इंसान को भी कोई भी एक स्पोर्ट्स करता है तो उसमें उसका ये गोल होता है कि वो उसमें अपना बेस्ट है और नंबर वन बने, तो मेरा भी एक गोल है कि मैं नंबर 1 बनूँ और वो सारी चीज़ें अचीव करूँ, तो मेरी यही मतलब विश है और इंशाल्लाह इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपना जब भी मैच खेलता हूँ अपना बेस्ट देता हूँ। लास्ट अभी मैं एक मूवी देख रहा था, तो यूट्यूब पे वो सर्च की है, गूगल पे मैं अपना एप्पल आईडी चेंज कर रहा था, तो वो भी लास्ट टाइम मैंने सर्च किया है। मोहम्मद हसनैन का रोल तो मोहम्मद हसनैन ही अपना है।